after Sunil Narine. He is KKR's second mystery spinner. The 20-year-old leg spinner from Coorg in Karnataka, KC Cariappa, made his IPL debut against Royal Challengers Bangalore. The KKR prodigy still cherishes the priceless scalp of RCB batsman AB de Villiers. Cariappa celebrated his 21st birthday on 13th April. So Extra Time caught up with Cariappa in a candid interview and we'll watch what the mystery spinner had to say. गली क्रिकेट में क्या है, मैं स्टार्ट किया चाइल्डहुड से खेल रहा था मैं गली क्रिकेट में. आफ्टर दैट क्या हुआ मेरे को, कोई सब लोग बोल रहे थे घर के पास लाइक कितना के इतना अच्छा कर रहे तू गली क्रिकेट में, तो कितना बहुत टूर्नामेंट हम लोग जीत रहे थे, घर के पास भी बहुत नाम कमाया मैं लाइक गली क्रिकेट में, तो अच्छा कर रहा था. डिफ़िकल्ट हो रहा था टेनिस बॉल में मेरे को खेलने बिकॉज और डिफरेंट एक्शन था लाइक चाइल्डहुड से ऐसा ही कर रहा हूँ. सो सब लोग बोले कुछ टैलेंट है तो फोकस कर ले क्रिकेट में, फोकस कर ले एक ट्राई कर ले. मैं गया, मेरे को कोई मेरा सर बताया लाइक मैं कोई बताया मेरे को एक क्लब था मलेश्वरम में, बेंगलोर मलेश्वरम में. सो मैं उधर ज्वाइन किया जवाहर स्पोर्ट्स क्लब बोलकर. सो आफ्टर दैट आई प्लेड देर एक दो साल खेला अच्छा हुआ मेरे को. अंडर 19 स्टेट खेला मैं वो साल फॉर कर्नाटका. सो आफ्टर दैट मैं मेरे को एक बड़ा क्लब बुलाया सोशल स्पोर्ट्स कर, उसमें बड़ा बड़ा प्लेयर्स के थे भरत चिपली एंड के पी अपना, दे आर ऑल प्लेड आई पी एल एंड डोमेस्टिक सो मेनी ईयर्स. सो बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर्स खेलते हैं. सो दे बुलाया मेरे, वो लोग बुलाया मेरे को टीम सोशल टीम को खेलने को. सो उधर गया मैं. उसके बाद लास्ट ईयर के पी एल स्टार्ट हुआ. के पी एल इज़ लाइक इट वॉज़ द बिग टूर्नामेंट फॉर मी बिकॉज मैं डोमेस्टिक भी नहीं खेला था, अंडर 19 में भी मैं गया टीम के साथ एक मैच भी नहीं खेला था, अभी तक एक मैच भी नहीं खेला था कर्नाटका के लिए. सो इट वॉज बिग प्लेटफॉर्म बिकॉज वो भी एक स्टेट लेवल टूर्नामेंट था हम लोग के लिए, तो सब लोग खेल रहे थे, मनीष पांडे उत्तप्पा सब लोग खेले. सो अच्छा टूर्नामेंट था. खुद को लगता है कहीं भाग्यशाली लगता है क्योंकि आपने अभी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं किया कोई भी एज ग्रुप में और सीधे आके आप KPL में कई कितने सारे मैच खेले और डायरेक्ट IPL में आ गए, वो भी 2.5 करोड़ लगा KKR ने आप उठाया, तो क्या लग रहा है फोकस क्या और आगे क्या सोच क्या है आपको? वही है मेरे को क्या, अभी सब लोग इतना सपोर्ट किया है, KKR भी सपोर्ट किया है मेरे को, उतना पैसे में लिया है तो पैसे के मामला नहीं, वो लोग मेरे को लाइक दे हैव बिलीव ऑन मी. सो लाइक मैं करना है अच्छा अभी, सो फोकस कर रहा हूँ, पूरा फोकस कर रहा हूँ. अभी कुछ भी नहीं खेला हूँ और सडनली IPL खेल रहा हूँ तो मेरे को भी बहुत खुश हो रहा है. तो हार्डवर्क मैं बहुत किया हूँ, पहले जूनियर से भी बहुत हार्डवर्क किया हूँ, इधर डोमेस्टिक में तो नहीं मिला, बाद में इधर KPL में भी अच्छा किया, बाद में IPL अभी IPL मिल रहा है. सो इसमें तो फर्स्ट मैच तो उतना अच्छा नहीं चला मेरे को, नेक्स्ट मैच से मैं बहुत अच्छा करूँगा. आप लोग के साउथ इंडिया में अगर देखा जाए तो कितने सारे क्रिकेटर्स हैं उनके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड भी काफ़ी स्ट्रांग है, जैसे अनिल कुंबले हुआ या लोकेश राहुल हुआ और दूसरा कोई भी है. तो आपका पढ़ाई आपने जैसे बता रहा था कुछ से पहले जो 10th तक करके छोड़ दिया, तो इसके कारण कोई प्रॉब्लम हुआ था घर में? घर में प्रॉब्लम नहीं हुआ था, मैं बोला था उन लोग को लाइक एजुकेशन में लाइक सडनली सब लोग चाइल्डहुड से खेल रहे हैं, सब लोग अभी चाइल्डहुड से प्रैक्टिस किया तो लेदर बॉल में आप लोग ट्रेनिंग किया तो सब लोग खेल सकते हैं. सडनली हम लोग गली क्रिकेट आकर मेरा एज भी हो रहा था 17 हो रहा था मेरा. सो अंडर 19 को फोकस कर रहा था वो टाइम में, मैं अंडर 19 खेलना है स्टेट. सो उसके लिए मेरे को उतना टाइम नहीं था पढ़ाई भी करना क्रिकेट भी खेलना. सडनली जाकर आप लोग पैड पहनना भी नहीं आता है, हेलमेट पहनना भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता. गली क्रिकेट में तो स्लीपर में खेलते हैं हम लोग, सो शू भी स्पाइक्स कहना कैसा पहनता है सब कुछ मुश्किल था मेरे को. उसके लिए मैं घर में दो दिन प्रैक्टिस गया, बोला मैं उतना बहुत खुश हो गया, मेरे को फोकस करना था अच्छा कर रहा था मैंने इसमें. सब लोग बोल रहे तेरे को फ्यूचर है इसमें प्रैक्टिस कर. मैं सोचा घर में जाकर बोला उन लोगों को समझाया, एजुकेशन अभी प्राइवेट में कर दूंगा मैं, अभी थोड़ा टाइम दे दो मेरे प्राइवेट लाइक करस्पॉन्डिंग रहता ना करस्पॉन्डेंस, सो उसमें कर दूंगा. कॉलेज को नहीं जा सका, कॉलेज को गए तो इधर क्रिकेट मिस हो जाएगा मेरे को, मॉर्निंग भी करना है इवनिंग भी करना है. सो मैं ऐसे ही वो लोग को एडजस्ट कर लिया घर में. आपने बताया और जिस दिन IPL ऑक्शन हुआ उस दिन पता चला KC Cariappa को KKR ने लिया वो भी 2.5 करोड़ में, तो घर के सीनियर्स बाबा वहाँ उसमें कितना खुश हुए थे? बहुत खुश होते. वही लाइक IPL सेलेक्ट होना बिग थिंग है, बिग थिंग है हमारा लाइक हमारा. हम लोग उतना पूर फैमिली से तो सडनली मैं IPL खेल रहा हूँ, पूरा इंडिया में पता लग गया मेरा नाम, तो बहुत खुश हो गया सब लोग लाइक सब लोग. मेरे घर में भी पहले से ही पैसे के वजह से कुछ भी नहीं करता है, फर्स्ट मेरा मॉम और मैं डैड भी ऐसा ही है,
हम लोग बहुत पुअर फैमिली से, सो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बट फर्स्ट मेरे लिए फर्स्ट ऑनली IPL, बिकॉज इधर अच्छा किया तो मेरे को किधर भी जा सकता है, उसके लिए इधर सिर्फ इधर फोकस करना, पैसे बाद में भी आ सकता है, पैसे के मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। लेजेंड लाइक अनिल कुंबले, कुंबले के साथ कभी आपका बात हुआ, कभी कुछ टाइम मिला स्पेंड करने के लिए उनके साथ? नहीं, अभी तक नहीं, मैं मिला हूँ, बात नहीं किया हूँ उतना, लाइक देखा हूँ आगे से उतना बात भी नहीं किया हूँ। कब मैं इंटर हुआ क्रिकेट में, और टाइम में वो KC में, हमारा कर्नाटका KC में प्रेसिडेंट था वो टाइम में कुंबले, सो वो टाइम में मैं देखा हूँ 2-3 बार, कोई बात नहीं किया हूँ। क्या लगता है अनिल कुंबले जैसे लेजेंड का अगर साथ में अगर थोड़ा सा मिल जाए तो कितना आपके लिए बढ़िया होगा? मेरे को बहुत बढ़िया होगा, मेरे को क्या है ना, मेरे को लाइक इट्स लाइक मेरे को वो टाइम में मैं कब क्रिकेट स्टार्ट किया, मेरे को बड़ा लाइक मैं ही सीखा सब कुछ मैं ही सीखा, और बाद में मैं क्लब ज्वाइन किया, उधर मैं सीनियर के पास मैं ही जा रहा था, इस क्या करना है, कैसा खेलना है, गली क्रिकेट अलग है, ये क्रिकेट अलग है, इसमें क्या फोकस लेना है, क्या फिटनेस क्या है, सब कुछ मैं सीखा बाद में किया, 1-2-3 साल में वर्कआउट किया, वो भी इधर तक आने के लिए उतना बस नहीं है और ज़्यादा करना है, सडनली मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला है इधर। अभी अनिल कुंबला सर जैसा एक लेजेंडरी मेरे को कर्नाटका में है, तो वो लोग मेरे को कुछ पहचाना और कुछ टिप्स दिया तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। मेरा लास्ट जो सवाल है, कल आपका बर्थडे गया 20 तो शाहरुख खान से कुछ मैसेज मिला? नहीं, ऐसा नहीं मिला है। फर्स्ट मैच के बाद हम लोग के जीतने के बाद सब ड्रेसिंग रूम में आए थे, सब लोग के साथ बात किए और बहुत खुश हुआ मेरे को। आपके साथ स्पेशली कुछ बात की? हाँ, स्पेशली लाइक आए वेंकी सर, हमारा को ऑनर है KKR का, और लेकर आए मेरे पास, सो मैं इंट्रोड्यूस किया मेरे को कारियप्पा बोलकर, शाहरुख खान बोला ओ इज अ सीक्रेट बोला, सो बहुत खुश हुआ मेरे को सीक्रेट बोलने की वजह से। कैसी टीम में सुनील नवीन और फ्रेड हॉग और जॉन बोथा जैसा दिग्गज स्पिनर्स है, तो उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है? हाँ यार, बहुत सीखने को मिल रहा है, बिकॉज मैं डेली नेट्स में, अभी नेट में हम लोग प्रैक्टिस कर रहा था, मैं पूछा वसीम सर को भी पूछ रहा हूँ और नारायण को भी पूछ रहा हूँ, बिकॉज ब्रैडॉग, इसलिए मैं ब्रैडॉग को भी पूछ रहा हूँ बिकॉज ही इज़ अ सीनियर एंड ही इज़ अ मोस्ट एक्सपीरियंस क्रिकेटर अभी हमारा टीम में, तो वो साल में भी ऐसा खेल रहे हैं, उसका फिटनेस भी और सब कुछ मस्त है, तो हम लोग सीखने को बहुत मिल रहा है। मैं नारायण को लाइक पूछ रहा हूँ, उतना भी बात नहीं करता है, तो भी मैं उसको पूछ रहा हूँ क्या कैसा करना है, कैसा प्रेशर हैंडल करना है, और लाइक मेरा बॉलिंग में क्या मिस्टेक है, रनअप कैसा करना है, सब कुछ पूछ रहा हूँ। आगे जो मैच है ऑब्वियसली, कहा जाए तो अगला मैच है आप लोग का अगेंस्ट किंग्स इलेवन पंजाब, तो उस बारे में कुछ पावर हिटर्स है जैसे कि मैक्सवेल है, सहवाग है, तो उनके खिलाफ बॉलिंग करने के अगर मौका मिले तो व्हाट वुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन? लाइक माय टाइप ऑफ बॉलिंग, बट मैं नर्वस नहीं होना, फर्स्ट मैच में नर्वस हो गया, लाइक नॉर्मल लेंथ और अच्छा लेंथ और अच्छा लाइन डाला तो मारने को मुश्किल था मेरा बॉलिंग में, तो मैं क्या हुआ सडनली गेल को भी थोड़ा प्रेशर में डाल दिया, ऊपर डाल दिया, तो वो मारा गेल तो ऐसा डाला तो सब लोग को ही मरता है, सो आई मेड ए मिस्टेक बट आई लर्न फ्रॉम इट, मैं अभी वापस कम बैक करूँगा, मैच मेरे को अच्छा कोई मैच मिला तो पक्का अच्छा करूँगा, अभी मेरा बॉलिंग तो देखना ही पड़ेगा सब लोग को।